सम्राट के उपनाम से मशहूर, कद में छोटे और शक्ल में बेहद मासूम दिखने वाले व्लादिमीर पुतिन आज संसार के सबसे कट्टावर और खूंखार राजनेता है। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप आज रूस अपनी सभ्य दिनों की खोई हुई ताकत और रुतबा काफ़ी हद तक वापस प्राप्त कर चुका है। उन्होंने चेचनिया में आतंकवाद का सफाया किया। रूस के प्रसिद्ध जासूसी संस्थान KGB के अधिकारी रह चुके पुतिन बेहद काबिल राष्ट्रपति साबित हुए हैं। पुतिन KGB के दिनों में जैसे ही पुतिन ने सत्ता संभाल लेंगे, पाकिस्तान अमेरिका से सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। पाकिस्तान का हर नागरिक बेहद असुरक्षित महसूस करेगा। पैसे वाले पाकिस्तानी रसूदखोरी फौजी आतंकवादी पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे और अमेरिका जैसे देशों की शरण में लेंगे। बच्चे हुआ की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगेगी। सभी आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो या भारत के आसपास के देशों में, अंडरग्राउंड यानी गायब हो जाएंगे, छुप जाएंगे। सेनाएं राय IVB DRDO जैसी संस्थाओं का मनोबल का कद अपनी उच्चतम स्तर पर होगा। सेना को आतंकवादियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश मिल जाएगा। शक के आधार पर ही गिरफ्तारियां और मरने की खबरें मिलने लगेगी। जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, बल्कि कई तो पुरस्कृत किए जाएंगे। आतंकवादियों के रिश्तेदारों को चुन चुन कर मारा जाएगा। आतंकवादियों को वायरल वीडियो किए जाएंगे, ऐसे उदाहरण सेट किए जाएंगे कि कश्मीर लोग आतंकवादी बनना भूल जाएंगे। कई तो इस्लाम छोड़कर भी छोड़ देंगे और धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हजारों की तादाद में मौतें होंगी। कश्मीर से भारी संख्या में लोग पलायन कर जाएंगे। कश्मीरी पंडितों को ऊपर से कश्मीरी में भगाया जाएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत छोड़कर भाग जाएंगे और सैकड़ों की तादाद में इनकी मौत होगी। अमेरिका एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था मानवाधिकार का भारी हो हल्ला मचाएंगे। पाकिस्तान तो रोने लग जाएगा। सभी पत्थरबाज अपने घर में दुबक जाएंगे, देखते ही गोली मारने के आदेश दे होंगे। हो सकता है पत्थरबाजों और नर्व गैस या इससे भी अधिक खतरनाक हथियार आजमाए जाएंगे। पकड़े गए आतंकवादियों पर रासायनिक और जैविक हथियारों का परीक्षण किया जाएगा। उन्हें चूहे, बंदर, गिनी पिग की जगह काम में लिया जाएगा। नई दवाओं का परीक्षण भी इन्हीं पर होगा। बेहतर दवाएं सामने आने लगेंगी। बड़ बोले राजनेता बोलना ही भूल जाएंगे और TV पर दिखना भी बंद हो जाएंगे। चीन घोषणा करेगा कि भारत एक मित्र राष्ट्र है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता मान्यता देगा। सेनाओं की ताकत और सैन्य बजट में भारी इजाफा होगा। राव को पाकिस्तान के भीतर हमला करने का आदेश होगा। खबरें आएंगी कि दाऊद मारा गया, हाफिज सईद को किसी ने जहर दे दिया, परवेज मुसफ्फर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, कमर जावेद बाजवा बाथटब में मरा हुआ मिला, पाक को बुरी तरह से अस्थिर किया जाएगा, सभी व्यापार बंद होंगे, समझौता एक्सप्रेस जैसी कोई ट्रेन नहीं होगी, बॉर्डर सील होगा, कई कानून बदल जाएंगे, देश विरोधी TV चैनलों पर रोक होगी, बदमाश और राष्ट्र विरोधी पत्रकार रहस्यमय तरीके से मार दिए जाएंगे। दंगों को बेहद सख्ती से निपटाया जाएगा। फतवे जारी करने वाले फतवों को जारी करने के बाद गायब हो जाएंगे। बाद में उनकी छत विछत की हुई लाशें मिलेगी। बॉलीवुड में भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाने वाली और हिंदू धर्म को नीचे दिखाने वाली फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। अलीगढ़ मुसलमान विश्वविद्यालय का नाम अलीगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा। भारत जल्द ही हथियारों का निर्माण और निर्यात करने लगेगा, इससे भारी आय भी होगी। इसरो और DRDO अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इनका बजट सैकड़ों गुना बढ़ा दिया जाएगा। सैटेलाइट युद्ध, लेजर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मिसाइल प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष युद्ध की तकनीकों पर शोध होंगे, नए नए हथियार बनेंगे। रहस्यमय तरीकों से वैज्ञानिक मरने और गायब होना बंद हो जाएंगे। उनकी Z+ की सुरक्षा होगी। ISI और CIA के जासूस भारत आना भूल जाएंगे। पुलिस को निर्देश होंगे कि वैज्ञानिकों को सबसे अधिक सम्मान और प्राथमिकता दे। वैज्ञानिकों के विरुद्ध झूठी कार्रवाई करने वाले
पुलिस अधिकारी इनकी कीमत अपनी जान से चुकाएंगे। इसरो वैज्ञानिकों के साथ झूठी जासूसी जैसी घटनाएं बंद होंगी। ऐसी घटनाओं को रोकने से सभी प्रोजेक्ट अपने नियत समय पर पूरे होंगे। समाज में वैज्ञानिक इंजीनियरों डॉक्टरों का कद बढ़ेगा। विदेशी हथियारों पर निर्भरता पहले घटेगी और फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। भारत दुनिया में अपने हथियारों को सप्लाई करेगा। पाकिस्तान के भीतर शिया सुन्नी दंगे होने लगेंगे। राह अपना काम पूरी हो जाती और मनचाहे तरीके से करेगी। पाकिस्तान एक बार फिर टूट जाएगा। इस बार 3 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और नेपाल। मुस्लिम राष्ट्र बलूचिस्तान शीघ्र ही राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र होगा, भारत का परम मित्र होगा। वे अपने भारी संसाधन भारत को देगा, जिससे भारत की ताकत में छापा होगा। चीनी कंपनियां वहां से भाग चुकी होंगी। अमेरिका पाकिस्तान पर कब्जा करके उसके परमाणु हथियार अपने कब्जे में ले लेगा। कश्मीर का कोई अलग कानून नहीं होगा और वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। भारत के भगोड़े राह के एजेंट या तो वापस भारत ले आएंगे या उनके मारे जाने की खबरें आएंगी। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाएगी और सबके लिए एक जैसे कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। भारत की ताकत का पूरा देश लोहा मानेगी।